अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हुलवीना और इस वक्त मैं मौजूद हूँ अकील करीम डेडी के साथ। एके डी को स्टॉक गुरु भी कहा जाता है, साथ ही साथ वो पॉपुलर हैं, एक अच्छे फिलेंथ्रोपिस्ट, बड़े बिजनेसमैन, और उनका नाम टॉप रिचेस्ट पीपल ऑफ पाकिस्तान में भी आता है। उनसे बात करेंगे हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के ऊपर। न्यूज़ चैनल्स के ऊपर भी आप देखते हैं उनको कि वो किस तरीके से पॉलिटिकल एनालिसिस अपना देते हैं इकोनॉमिक एनालिसिस के साथ साथ। तो हम उनसे बात करेंगे इकोनॉमिक क्राइसिस जो इस वक्त पाकिस्तान में है, कैसे हल किए जा सकते हैं, क्या की फैक्टर्स हैं पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के, और उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि यूएस रिजीम चेंज के हवाले से उनका क्या कहना है, क्या मानना है, और एक पिलर की दूसरे पिलर में इंटरवेंशन को वो कैसे देखते हैं। क्या कभी पाकिस्तान में एक सुतून रियासत का दूसरे सुतून में इंटरफेरेंस के बिना नहीं रह सकता, और किस तरीके से इस तमाम तर मुदाखलत को ख़त्म किया जा सकता है। ये तमाम तर मौजूदात होंगे, उनसे मैं थोड़ा सा जुडिशल सिस्टम के ऊपर भी जाने की कोशिश करूंगी, और यही जो ओवरऑल गुफ्तगु है उनसे हम करेंगे, और भी उनसे कुछ इंसाइट्स लेने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। देखिए, पाकिस्तान जब से बना है 75वां जो मैं आजादी हम बना रहे हैं, और अल्लाह ताला से हम हमेशा एक ही दुआ करते हैं कि हमारा मुल्क सही रास्ते पे चले। लेकिन साथ में एक बात यह है कि पाकिस्तान अगर हम 1990 तक देखते हैं तो पाकिस्तान माशाल्लाह बहुत ग्रो कर रहा है, लेकिन 90 के बाद के जो टाइम है वो पाकिस्तान के लिए शायद बहुत अच्छा टाइम नहीं रहा, और इसमें मामला हमारे बहुत ज्यादा खराब है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तो मैं यही कहूंगा, जब से पाकिस्तान बना है और आज तक ये इशू हमारा रहा है। और ये आपने बड़ी अच्छी बात कही कि एक पिलर दूसरे के मामला में अमल, मतलब मामला में मुदाखलत करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि सबको अपने अपने काम करने चाहिए, क्योंकि हर आदमी अपना काम तो कर सकता है, दूसरों का नहीं कर सकता। अब इस तरह अगर हमें जानने की आदत खत्म करनी है, कोशिश करनी होगी कि जिस जिसकी जो जिम्मेदारी है उसको पूरा करें, और अगर वो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकता तो घर चला जाए। लेकिन जाहिर बात है कि पाकिस्तान में ये मामला कोई आज से नहीं है, ये पॉलिटिकल लोगों की अपनी भी गलतियां हैं। जब पॉलिटिकल लोग उरूज पे होते हैं तो शायद वो यही कहते हैं कि किसी को किसी के मामला में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, लेकिन यही लोग जब अपोजिशन में जाते हैं तो उनकी बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं, और वो चाहे कितना भी अच्छा काम कर रहा हो वो अच्छे को अच्छा कहना चाहते नहीं है। तो हमारी अपोजिशन और हमारी गवर्नमेंट की आदतें थोड़ी सी बुरी है, और ये आदतें ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि कभी भी हम आपने सुना होगा किसी अपोजिशन लीडर ने ये कहा हो कि यार मुल्क सही चल रहा है। मुल्क जैसा भी चल रहा है, अच्छा भी चल रहा होगा तो अच्छा नहीं कहेंगे, उसी तरह बिल्कुल उलट है। तो हमारे यहाँ मसला ये है ना कि जब हम अपोजिशन में होते हैं तो जब कुछ नहीं हो पाता तो हम ऐसी भी बातें कर जाते हैं जो कंट्री इंटरेस्ट के खिलाफ भी होती है। लेकिन इस वक्त की हुकूमत तो बहुत बुरे हालात में है, और देखिए मैं ये नहीं कह सकता कि इस वक्त भी सिचुएशन वही है। हाँ, काफी मुश्किल टाइम में हम आ चुके थे, लेकिन अब कुछ रोशनी भी दिख रही है। मैं ये नहीं कह सकता कि रोशनी नहीं दिख रही। सर, दो माह में 85 रुपीस पर पेट्रोल इंक्रीज होना, फिर अशिया खुर्दनोश के ऊपर भी, उसमें हम किसी को ब्लेम नहीं दे सकते। उसमें सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनली ये प्रॉब्लम जनरेट हुई थी, और वो जनरेट ये हुई थी कि पेट्रोल और डीजल जो फर्निस ऑयल वगैरह है उनकी प्राइस बढ़ गई थी, और क्रूड की प्राइस उतनी नहीं बढ़ी थी जितनी रिफाइंड प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ी थी। तो वो जाहिर बात है कि हमें सफर करना पड़ा, उसी की वजह से पूरी दुनिया सफर कर रही थी। तो ये सारे पाकिस्तान एक मुल्क नहीं है, ये तो दुनिया के सारे तो मुल्क। फिर सर, ये सारी पीडीएम की जमात उस वक्त क्यों कह रही थी जब खान साहब ने बढ़ाया, मैंने 3 साल के अरसे में पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई, उस वक्त वो कह रहे थे गलत है। पीडीएम अपोजिशन में थी तो उसकी बात कुछ और थी, गवर्नमेंट में आने के बाद उसकी बात और थी। अगर आप इमरान खान को भी देखें कि कंट्री इंटरेस्ट में उनको भी बहुत सारे यू टर्न लेने पड़े, उसलिए लेने पड़े कि अगर आप सब्सिडी पे मुल्क नहीं चला सकते, और आज हम इनकी गवर्नमेंट को भी एक ही बात कह रहे हैं कि आप सब्सिडी दे के मुल्क नहीं चला सकते, सब्सिडी ज्यादा नुकसान पहुंचाती है।
अगर डिमांड कम होगी तो सब्सिडी खत्म करोगे तो कम होगी, रुपए की चीज अगर आप आठाने की बेचोगे तो आपका डेफिसिट बढ़ेगा, डेफिसिट बढ़ेगा रुपी वीक होगा, रुपी वीक होगा तो टाइटनिंग होगी, टाइटनिंग होगी तो आपके इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो बेरोजगारी होगी और डेफिसिट के नंबर्स ऊपर आ जाएंगे। तो आपको मुल्क के इंटरेस्ट में काम करना है तो एक ही बात है कि सबको एक साथ बैठना पड़ेगा। आप नहीं बैठोगे इसका तो आप मुल्क को फर्दर नुकसान में ले जाओगे। इस वक्त जरूरत है आप खुदा के लिए पॉलिटिकल इख्तलाफात खत्म करें और शादी और दावतों में जिस तरह आप एक दूसरे से मिलते हैं ना उसी तरह मिलना शुरू कर दें। हम ये देखते हैं कि टीवी पे बैठे लड़ रहे होते हैं, फिर नीचे आते हैं किसी दावत में मिलते हैं तो सारे साथ बैठ के खाना भी खा रहे होते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि अब हर जगह को आप दावत समझो। सर, इकोनॉमिक क्राइसिस कैसे रिजोल्व होंगे? देखिये, पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस कोई बहुत सीरियस किस्म के नहीं है, ये बहुत जल्दी अगर हम सिंसियरिटी से जैसे मैंने जो बातें की उन बातों के साथ यकीन करें हम इसको रिजोल्व कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये सब इकट्ठे बैठे जो गलत काम है क्रिटिसाइज करें, क्रिटिसिज्म कोई बुरी बात नहीं है, इख्तलाफात कोई बुरी बात नहीं है, इशू पे इख्तलाफात होने भी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप सिर्फ लड़ते रहोगे तो आप अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाओगे और एक टाइम आएगा लोग आपके लिए भी अच्छी बातें नहीं करेंगे। कम अज कम मरने के बाद तो मुसलमानों को अपनी इज्जत बढ़नी चाहिए पाकिस्तान में, तो जिंदों को तो कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता। लेकिन हम अभी भी हमें इतनी शर्म है कि जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो थोड़ा बहुत हम लिहाज कर लेते हैं। सर, यूएस रिजीम चेंज के हवाले से आपका क्या ख्याल है? अभी देखिए हमारी अपनी कमजोरी होगी तो रिजीम चेंज भी होगी, मुदाखलत भी होगी, हर मुल्क हमें आंखें भी दिखाएगा। तो हम जब ठीक हो जाएंगे तो कौन हमें आंखें दिखाएगा? सर, लेकिन इम्पीरियलिज्म की जो हम बात करते हैं, कहा जाता था कि इम्पीरियलिज्म पहले होता था, गुलाम बना दिया जाया करता था और कॉलोनीज बनाया करती थी या जितनी भी सुपर पावर्स होती थी स्टेट्स को, लेकिन अब भी वो जाके डायरेक्टली कॉलोनी तो नहीं बनाती लेकिन रिजीम चेंजेस कर दिया करती है। तो यानी हमारी गफलत है। देखिए, गफलत आपके गरीबान को अपने आप को देखना है, मुझे अपने आप को देखना है, अलवीना ने अपने आप को देखना है। अगर हम अपने आप को ठीक कर लेंगे तो हम फिर बात करने की पोजीशन में आते हैं। हमारे मुल्क की प्रॉब्लम है कि हम सामने वालों को ठीक किस इदारे को करेक्शन की जरूरत है सबसे ज्यादा? पूरे पाकिस्तान में हर इदारे, किसी एक इदारे का नाम नहीं लेंगे या दो इदारों का? दो तीन इदारे हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त बचे हुए हैं जिनमें मतलब मैं ये समझता हूँ कि अबव द बोर्ड है अभी भी, जिसको पाकिस्तान आर्मी हम कह सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को हम कह सकते हैं, लेकिन बाकी इदारे हमारे मुल्क के सफर कर रहे हैं और बहुत ज्यादा डैमेज हो चुके हैं। सर, कहीं आपको नहीं लगता कि तमाम तर पिलर्स को करेक्शन की जरूरत है स्टेट? देखिए, मैंने कहा ना कि अक्रॉस द बोर्ड जी, मैंने कहा ना सबसे ज्यादा बिजनेसमैन हैं जो अपना रोल प्ले करें। हम बिजनेसमैन गवर्नमेंट के पास जाके आईपीपी की पॉलिसी हम ही लोगों ने बनवाई उनसे और मुल्क सफर कर रहा है। अब आईपीपी का जो लॉसेस हैं आपके आर्मी के बजट से भी ज्यादा बढ़ गए और अब हम प्रिसाइजली इस पॉलिसी का भी बता दें। देखिए, ये पॉलिसी जो है ना बहुत लंबी बात हो जाएगी, इसके लिए तो फिर हमें दिन चाहिए पूरा। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जो पॉलिसी हम इंट्रोड्यूस करते हैं ये इस मुल्क को डैमेज करती है। अगर हम पिछली पॉलिसी जितनी भी उठा लें, हर पॉलिसी ने मुल्क को डैमेज किया, चाहे वो 94 की पॉलिसी हो आईपीपी की, चाहे वो 2002 की पॉलिसी हो या आगे आने वाली पॉलिसी हो। मुल्क में एक काम करने की जरूरत है कि डी रेगुलेट। हम अच्छे अच्छे यूनिट प्राइवेटाइज कर दिए और अब हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक के कारखाने हम चलाएं। वो भाई हम क्यों चलाएं? पाकिस्तान का बिजनेसमैन का चलाए ना, पैसे उसने कमाने, बिजली भी वही आपको दे रहा है तो आपको वो बिजली दे रहा है और फिर आप उसी को बिजली दे रहे हैं। कराची में भी तो प्राइवेटाइज भी कर दी, अब क्या हाल है उसमें भी? आपको मैं यही कह रहा हूँ ना कि जर्नलिज्म में एक कमजोरी जो है ना वो ये है कि लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम बिजली बनाते हैं गवर्नमेंट को बेचते हैं, गवर्नमेंट फिर हमें बेचती है। तो गवर्नमेंट को इस चीजों से निकलना होगा क्योंकि इसकी वजह से लाइन लॉसेस आते हैं, इसकी वजह से हम डैमेज होते हैं। भाई जब गवर्नमेंट ने इधारे बेच दिया, हबीब बैंक दे दिया, आपके एलाइट बैंक को भेज दिया, एमसीबी भेज दिया, डीजी खान सीमेंट भेज दी,
बड़े बड़े यूनिट भेज दिए, तो अब गवर्नमेंट क्यों पावर प्रोजेक्ट लगाना चाहती है? आज आपने फर्निस ऑयल डी रेगुलेट कर दिया, तो आप डीजल क्यों बेचना चाहते हैं? आप पेट्रोल क्यों बेचना चाहते हैं? आप सबको डी रेगुलेट करें। आप जब तक गवर्नमेंट बिजनेस से बाहर नहीं निकलेगी कोई फायदा नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पिछले दिनों हमने सुना है कि गवर्नमेंट सेल करना चाहती है, जरूर आप बेच दें, हम ये नहीं कहते ना बेचें, लेकिन आप दूसरी तरफ अपने प्रोजेक्ट क्यों लगा रहे भाई? ये सारे लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट आप अपने गले में लगा रहे हैं, और फिर वो बिजली आप बेचते हैं, उसमें लाइन लॉसेस भी आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेस भी आते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन आ गई ना सर, एक तरफ कह रहे हैं प्राइवेटाइज भी करें, एक तरफ कह रहे हैं इसके ऊपर दूसरे ममालिक को। आप इस वक्त बेहतरीन टॉपिक है कि गवर्नमेंट किसी किस्म का कोई प्रोजेक्ट ना लगाए। गवर्नमेंट का काम टैक्स कलेक्शन और डेवलपमेंट, अपने ये दो काम गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट कामयाब हो जी। लेकिन अगर गवर्नमेंट लॉस मेकिंग बिजनेस की तरफ जाएगी और मुझे या आपको ऑब्लाइज करेगी, तो फिर ये मुल्क आगे। सर आखिरी सवाल आपसे करूंगी, ये बिल्डर्स कम्युनिटी के हवाले से है, ये ऑनर तो मेरी बात नहीं हुई थी, मेरे किसी एक पॉपुलर बिजनेसमैन से बात हुई, उन्हीं के प्रोजेक्ट के हवाले से। अगर 1.5 करोड़ का एक यूनिट है, उसके ऊपर वो उससे जो एक्स्ट्रा है वो 30 लाख रुपए डॉक्यूमेंटेशन के चार्ज कर रहे हैं, जब उनसे पूछें कि आप ये 30 लाख किस चीज के, तो वो साफ साफ गिव अप कर देते हैं, क्योंकि जाहिर है वो कह रहे हैं शुरू में आपको कहते हैं कि आपकी जितनी भी एमिनिटीज हैं उसके हैं, फिर इसके अलावा बिजली के हैं, उसके बाकी के और प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए पैसे, लेकिन 30 लाख रुपए तो बाद में वो क्लियर करते हैं कि जितने भी इदारे हैं SBCA KDA और दीगर इदारे हैं उनको रिश्वत की मद में जितने पैसे दिए जाते हैं अपनी फाइल्स क्लियर करवाने के लिए, काम करवाने के लिए, और वो मैंडेटरी हर प्रोजेक्ट के ऊपर लेते हैं। मैं लीगल प्रोजेक्ट्स की बात कर रही हूँ, ये बात अंडर द टेबल अभी भी नहीं जानते। देखें मुझे भी इसके बारे में कुछ हद तक पता है, मेरा भी जारी बात है बिल्डरों से ताल्लुक है और मैं उसी बिजनेस में भी हूँ, तो मैं आपको सिर्फ ये कहूंगा कि हाँ डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस जो होते हैं वो एक हद तक आप ले सकते हैं, जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं। अब जैसे एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस होते हैं, बिजली के कनेक्शन का होता है, गैस के कनेक्शन का होता है, या फिर लीज डॉक्यूमेंट्स के होते हैं, ये तो आप ऐसे ले सकते तो बता दिया, ठीक है ना, आप ले सकते हैं। लेकिन कोई भी पैसा जो आप इससे ऊपर दे रहे हैं वो अनफेयर है, और अगर आप उस हद में ले भी रहे हैं तो वो कम से कम आपको क्लाइंट को जरूर बताना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स ब्लैक एंड व्हाइट में भी नहीं है, और वो मुंह से वर्बली आपको बता रहे होते हैं, उसके बाद सारा पूरा ब्रेकडाउन भी देते हैं, और साफ ये बात जाहिर निकल आती है कि रिश्वत है। ये बेहतरीन फोरम है, आप बात माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है, उसका एक चेयरमैन भी होता है, उसकी कमेटी भी होती है, उसके मेंबरान भी होते हैं, तो ये आपका क्वेश्चन वैलिड है, उसको आपको टेकअप जरूर करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि चेयरमैन आबाद या प्रेसिडेंट आबाद वो आपको डेफिनेट इसमें सेटिस्फाई उसको करना चाहिए, क्योंकि आबाद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो पैसे लिए जाए उसका कम से कम पता होना चाहिए कि किस मद में आप ले रहे हैं। बिल्डर कह रहे हैं मैं अपनी जेब से थोड़ी दूंगा आपकी यूनिट की रिश्वत, साफ बोल रहे हैं। वो आपकी बात सही कह रही है, मैंने कहा ना आपका सवाल भी ठीक है और आपकी बातें भी ठीक है, और आपको ये बातें जारी बातें कि मैं इस फोरम पे ये अगर कुछ कह भी दूंगा उसका फायदा कुछ भी नहीं होगा। मैंने आपको मोटी मोटी बातें बताई कि इस मद में ये लेते हैं जी। अगर उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं तो वो कम से कम उनको क्लाइंट को सेटिस्फाई करना होगा, सेटिस्फाई नहीं करते तो इस ये सीधी कंप्लेन बनती है आबाद के लिए। तो आप एज ए जर्नलिस्ट ये क्वेश्चनर बना के चेयरमैन आबाद को भेजें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सारे सवालों के वो जवाब प्रॉपर तरीके से दे। ये मैं समझता हूँ कि ये सवाल बहुत अच्छा है और ये डेफिनेट पब्लिक के लिए, आम आवाम के लिए, और अगर कोई किसी से नाजायज पैसा लेता है तो जारी बात है हम लोगों को बुरा कहते हैं, तो हमें भी अपना गिरेबान झांकना होगा। मेरा पहले भी यही था कि हर आदमी को अपने आप को ठीक करना है, ठीक है, हम इतने बुरे हो चुके हैं कि हम दूसरों को ठीक नहीं कर सकते, ठीक है सर।
बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना वक्त देने के लिए. और मैं क्विकली समराइज करूं अगर सर की गुफ्तगू को, तो वो यही कह रहे हैं कि एक पिलर का दूसरे पिलर में इंटरवेंशन बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है. मुदाखलत एक इदारे के दूसरे इदारे में, ये बिल्कुल भी हमें, अब हम इसको मजीद अफोर्ड नहीं कर सकते. और इसी की वजह से हमारे मुल्क में तमाम तर क्राइसिस है. हमें सबसे पहले अपनी करेक्शन भी करना लाजिम है, क्योंकि जब तक हम अपने आप को करेक्ट नहीं करेंगे तब तक हम दूसरे की जो कमजोरियां हैं उसके ऊपर निशानदेही नहीं कर सकते. और बहुत सारे ऐसे सवाल आज भी हैं जो कि हमारी आम आवाम को खुद उस पर सोचना पड़ेगा, और अपने जो राइट्स हैं, जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके हवाले से उनको खुद सवाल करना होगा. हर चीज के ऊपर आंख बंद करके हमें सिर्फ कोई अगर कहे हमें उसको करना नहीं है, अनलेस उसमें सारी लीगैलिटीज को हम ना देखें. और हमें उम्मीद है अभी कि शायद हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट से हटकर नेशनल इंटरेस्ट का सोचें. आज के लिए इतना ही. अल्लाह हाफिज़. गॉड ब्लेस यू ऑल.